हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं बताऊंगी मिथिलाक पावन जुड़ शीतल और सतुवन के बारे में। ये कब है वर्ष 2023 में, इसे कैसे मनाते हैं, इसका क्या है महत्व। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी और जो भी नए दर्शक जुड़े हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी आपसे ना छूटे। मिथिलांचल में आज जुड़ शीतल का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन का महत्व मिथिला में काफ़ी अधिक समय से चला रहा है। इसे इंसान से लेकर पशु तक और पेड़ पौधे का भी ख्याल रखा जाता है। तो जानिए कैसे आप इनमें अनोखा ये पर्व है। लोक परंपरा व आस्था का महापर्व जुड़ शीतल 15 अप्रैल वर्ष 2023 को हम पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मिथिलावासी सतुवन के बाद अगले दिन जुड़ शीतल मनाते हैं, यानी कि सतुवन 14 को है। मिथिलांचल के इस दिन से नया साल आरंभ होता है। जुड़ शीतल को प्रकृति पर्व मनाया जाता है, जिसे इंसान से लेकर पशु पक्षियों और पेड़ पौधों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। 14 अप्रैल को सतुवन का पर्व लोगों ने मनाया, जबकि 15 को धुर खेल व शिकार मारी की रस्म पूरी की जाती है। जुड़ शीतल त्यौहार को लेकर घर की महिलाएं एक दिन पूर्व सतुवन के दिन ही विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाती है। इस पर्व के में लोग खुशी से एक दूसरे को शरबत भी पिलाते हैं। जुड़ शीतल के दिन स्नान करने के बाद अपने कुल देवता को बासी बड़ी चावल दही आम की चटनी चढ़ाने की परंपरा निभाई जाती है। सारे दुखों से छुटकारा व परिवार में शीतलता बनाए रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना एवं और श्रद्धालुओं से किया जाता है। जुड़ शीतल के दिन घर के बड़े बुजुर्ग अपने छोटे उम्र के सदस्यों पर माथे पर अगले दिन से ही बासी जल डालकर उन्हें शीतल रहने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन घर का चूल्हा नहीं जलता, उसे ठंडा रखा जाता है और बासी बने भोजन से चूल्हा का पूजन किया जाता है। जुड़ शीतल पावन से पूर्व दिन में लोग चने से बने सत्तू कुल देवता को चढ़ाते हैं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर सत्तू खाते हैं। जुड़ शीतल के दिन घर के दरवाजे एवं आंगन में बासी जल का छिड़काव किया जाता है। पेड़ पौधे में जल डालने से तेज गर्मी से बचाकर शीतल हवा प्रदान करने की कामना के लिए इस दिन लोग जल से पौधे को जुड़ाते हैं। इस दिन मिट्टी कीचड़ एक दूसरे के ऊपर खेलने की भी रिवाज है। कई जगह कुश्तियाँ खेलने का भी आयोजन होता है। मिट्टी लगाने और कुश्ती की परंपरा लगभग अब से नहीं, बहुत पहले से देखने में आ रही। तो मैंने आपको बताया कि वर्ष 2023 में जुड़ शीतल और सतुवन कब है, इसे कैसे मनाते हैं, इस पर्व का क्या है महत्व। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू।